ऐसे तो गाली गलौज करता कोई, तू डाइन बोटी ए बोटी ए कह देता है, लेकिन डाइन का तो आज तक तो कोई पुरुष नहीं दिखाया न देखा पाएगा। देखिए डाइन प्रथा कैसे होता है, कैसे शुरू होता है, गांव देहात में जैसे मान के चलो किसी का रहन सहन अच्छा है, किसी का कोई गरीब परिस्थिति में है, तो हम कमाएंगे तब ना मेरा पास 2 रुपया आएगा, हम नहीं कमाएंगे तुम्हारा कमाई देख के जलने से तो नहीं ना होगा। तो वही लोग कहता है जो दरुआ पी करके, जो नहीं ये सचमुच में वो डाइन विद्या जानती है तब ना उसका घर में कुछ तकलीफ नहीं है, ऐसा ऐसे ही करके कुछ ना कुछ तो कह देता है। पहले तो आदमी लोग ओझा था, अब तो औरत ओझा बन गई है, औरत लोगों का कुछ इनकमिंग रोजगार नहीं है इसीलिए ओझा बनी है। तुम डाइन विद्या जानते हो, ऐसा औरत कोई नहीं, अभी पुरुष को भी कह रहा। जैसे एक एक मरीज जा रहा, गरीब हो अमीर हो, वो पहले 5,000 रुपया ले रहा, फिर खस्सी ले रहा, तो गरीब के लिए जिसका पास पैसा नहीं है, जैसे गहना जहरा था वो बेच बच के दे देता, फिर मरीज जैसे मरीज ऐसे फिर दोबारा चले जाता बोलने के लिए, तो बोला कि नहीं हम तो एक बार तुमको ठीक कर दिए, फिर दोबारा हुआ तो फिर वो लोग लड़ रहा, बीमार क्या है वो नहीं दिख रहा, लेकिन वही डाइन को अंधविश्वास से सब मार रहा है। अब हिंदू धर्म में बिना नहा के कोई नहीं खाता है, भगवान का नाम लेता है, अगरबत्ती जलाता है, तबो के वो डाइन होता है नहीं। हम शुरू से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, जितना गांव-गांव में ओझान लोग है उसको पुलिस लोग क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा, जे ओझा लोगों जो ओझा पाठ कर रहा है वो लोगों का प्रशासन थोड़ा एक्शन लेगा, दबाव देगा, तो डाइन विन कुछ नहीं है, और हो डाइन है ये नहीं है, खाली झूठों के लिए ओझान लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा ससुराल वाला लोग डाइन कह करके लगातार 2-3 दिन बैठक किया, मीटिंग किया, फिर डाइन कह करके मेरे को इतना बेइज्जती किया, ताकि घिसट ले जा करके यहाँ देखो कुड़ारी में चोट मारा। हमारा हस्बैंड मेरा पास नहीं है, वो लास्ट में वो शक कर लिया जो मेरा बीबी डाइन है, तो हम किसका पास जाएंगे, हम अपना कहानी हम मेरा खुद हम दुखी हैं, तब ना एक दूसरे के लिए हम लड़ रहे हैं, और कितना हीरो हीरो औरत लोग कौन किसका देख रहा रे, कौन तुम मर रहे हैं, मरने जाओ हैं। अगर मान के चलो मैं डाइन हूँ अगर, तो हम हमारा अपना जगह छोड़ के हम आते नहीं आते पूरा, तो हम जो डाइन है वो तो सोचता है हम तो दुनिया भर का मतलब हम ही ये है, हम जो चाहेंगे अब हम पनीर खाएंगे, आज हम ये खाएंगे, ऐसा नहीं है बाबू, ये सब झूठ है, ये डाइन फाइन कुछ नहीं है, ये को मन का भ्रम है, ऐसा सब कोई कहता है ना फूर कर देंगे, फूर हमारा फूर में क्या है, डाइन क्या होता है, डाइन पैदा होता है ना डाइन मरता है, कुछ नहीं, अपना मन मेरा जैसे हम घुमाएंगे ऐसे ही हो जाता है। तो अभी जितना जो महिला लोगों को हम लड़े हैं बाबू, वो लोग सब ठीक ठाक है, अभी कोई नहीं कह रहा है, अपना अपना घर में सब है, और अभी वो लोग को कोई कुछ नहीं बोला है, जब सब जान रहा है, जब जो छुटनी के पास गया उसका कैलाने हो गया। पहले तो हम रोते थे लेकिन अब कितना रोएंगे, आज जब परिवर्तन में आ गए, बदलाव कुछ हो गया है, फिर हंसना भी निकल गए। बहुत प्रेस वाला आया, बहुत न्यूज छपा, लेकिन हम जहाँ पे हम हुए थे और हुए रहे थे
न्यूज कोर्ट जब जब से आया इन्हीं ने एसपी को डीसी को मेरा सामने बुलाया। हमको तो इतना अच्छा लगा, आज न्यूज कोर्ट वाला ने मेरे को इतना सामने हाईलाइट कर दिया और एसपी ने भी हमको जो कि ये किया सम्मानित किया 8 मार्च को, और थाना में भी वहाँ का भी प्रशासन लोग देख के तबाह हो गया। अरे छुटनी क्या है, ये तो आता जाता हम लोग नहीं जानते थे इतना ये कैसे आगे बढ़ गया बोल के प्रशासन बोला कि जो हम लोग कभी पता नहीं था छुटनी तो पेपर में पढ़ते हैं। तो न्यूज कोर्ट ने जब इतना हाईलाइट में कर दिया एसपी भी थोड़ा थरथरा गया, बोला मानना पड़ेगा छुटनी का कहाँ से कहाँ लेवल चल गया।